चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनिमेशन इन सीएसएस। सीएसएस में एनिमेशन जो है वो हम लोग कैसे करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है, इसी को मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे इसका डिजाइन वगैरह जो मैंने किया है, पहले मैं सबको हटा देता हूँ ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझा सकूं। सिर्फ मैं जो डीप का जो बैकग्राउंड सेट किया हूँ मैं सिल्वर, बस उसको रहने देता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इस तरह से ये है बिना एनिमेशन का। अब हम इसको एनिमेशन करेंगे। तो दोस्तों, एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले जिस एलिमेंट पे हम एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम, उसके बाद में हमको देना पड़ेगा एनिमेशन का नाम। उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं एनिमेशन नेम, और उसके बाद मैं इसका नाम दे देता हूं माई एनिमेशन। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो आपको सेट करना पड़ता है एनिमेशन ड्यूरेशन। जैसे कि मैं इसका ड्यूरेशन सेट कर दे रहा हूँ 5 सेकेंड। अगर मैं इतना करता हूँ और इसको सेव करूंगा और फिर जाके हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में अब इसके लिए अब हम लोगों को की फ्रेम सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा की फ्रेम। की फ्रेम्स के बाद में देखिए यहाँ पे जो हम लोग नाम लिखे है माई एनिमेशन, तो इसका की फ्रेम सेट कर रहे हैं तो इसीलिए ये नाम यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों की फ्रेम लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट देंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी पे एनिमेशन करना चाहते हैं उनसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा फ्रॉम, और फिर कर्ली ब्रैकेट देंगे और ये बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टू और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा और क्लोज होगा। और इस फ्रॉम के अंदर मतलब कि एट प्रेजेंट उसको हम कौन सा पोजीशन से किस पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं, तो फ्रॉम भी स्टार्टिंग पोजीशन जिसमें हम रखना चाहते हैं, और टू में उसका पोजीशन जो चेंज करना चाहते हैं उसको। जैसे ये आपका इनिशियल पोजीशन और ये आपका फाइनल पोजीशन मान लीजिए। तो जब जैसे कि अभी इसका जो भी फंड साइज है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा फंड, उसके बाद साइज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंड साइज जो है इसका मैं 25 पिक्सल रख रहा हूँ, और यहाँ पे हम फंड साइज जो है वो बढ़ा देंगे। यहाँ पे मैं जो इसका फंड साइज है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 55 रख देता हूँ। अब चलिए देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। अब इसको रिफ्रेश करिए तो देखिए दोस्तों इसका फंड साइज ये बढ़ेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो फिर इसका एनिमेशन बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम इसमें एक प्रॉपर्टी और बढ़ाते हैं, जैसे कि एक होता है आपका एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग दे सकते हैं जैसे कि इरेज इन। अब अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए किस तरह से हो रहा है, ये आपका इरेजिन है मतलब स्लो स्टार्ट होगा। उसी तरह से हम लोग दे सकते हैं इसमें इरेज आउट, और हम लोग इसमें इरेज इन आउट ये दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ये हो गया इरेज इन आउट। उसी प्रकार से फिर हम और भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन, उसके बाद एनिमेशन के बाद हम इसको डिले कर सकते हैं कुछ देर के लिए। जैसे मैं इसको 2 सेकंड के लिए डिले कर देता हूं और उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे,
देखिए थोड़ा रुकेगा, उसके बाद हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो डायरेक्शन है वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एनिमेशन उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन इसको मैं दे देता हूँ अल्टरनेट। तो देखिए अब क्या होगा, ये 2 सेकेंड डिले था, उसके बाद ये एनिमेशन हुआ। अल्टरनेट मतलब वो फिर से वो बैठ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है डायरेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनिमेशन, उसके बाद इरिटेशन, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, एनिमेशन इरिटेशन उसके बाद काउंट लिखना पड़ेगा। काउंट इसमें हम लोग क्या सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं तो जो एनिमेशन है हमारा देखिए 3 बार होगा। देखिए ये आपका एक बार, उसके बाद ये अल्टरनेट था बल्कि ये रिवर्स हुआ, उसके बाद ये दूसरा, ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पे हम 3 नहीं लिखते और यहाँ पे अगर हम लिख देते इन फिनाइट तो ये रिपीट होते जाएगा कंटिन्यू। अब इसको रिपीट रिफ्रेश करिए, देखिए 2 सेकेंड डिले था, उसके बाद ये अपना रिपीट होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सारा जो प्रॉपर्टी है हम एक ही लाइन में दे सकते हैं, वो कैसे, देखिए यहाँ पे सिर्फ आप लिखेंगे एनिमेशन, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 सेकेंड तो ये हो जाएगा उसका ड्यूरेशन, उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा इरेज इन आउट ये हो जाएगा उसका फंक्शन, उसके बाद मैं लिख दूंगा 2 सेकेंड ये हो जाएगा डिले, उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा अल्टरनेट, उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा इन फिनिट, ठीक है। और ये सारा चीज जो है यहाँ से हम हटा देते हैं इसको और फिर इसको सेव करेंगे तो जो एनिमेशन हो रहा था हमारा सेम उसी प्रकार से एनिमेशन हमारा होगा, देखिए कोई चेंजेस नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे फ्रंट साइज लिया था हम लोगों ने, अब मान लीजिए कि आप बैकग्राउंड भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं बैकग्राउंड जो है वो रेड कर देता हूँ और उसके बाद ये रेड में रहेगा और रेड से चेंज करना है इसको हमको, तो ये रेड से इसको हम ब्लू करना चाहते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे ब्लू। तो अब क्या होगा, देखिए ये आपका रेड और ये चेंज होके ये हो जाएगा ब्लू। उसी तरह से अगर टेक्स्ट जो है टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ पे जैसे मैं इसका कलर लिख देता हूँ, अभी यहाँ पे मैं इसका कलर लिख देता हूँ ब्लैक जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट कलर रहता ही है, और फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ और यहाँ जाता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ब्लैक से मैं वाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा वाइट। और उसके बाद अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यह हमारा रेड से वाइट होगा इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। आप और भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर ट्रांसफॉर्म यूज करके इसका जो पोजीशन है वो चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ट्रांस उसके बाद फॉर्म, ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मैं इसको एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, जो पहला पोजीशन है वो इसका मैं 0 पिक्सल रखूंगा और फिर इसी को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम लोग कॉपी, और उसके बाद इसको यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं रख दूंगा यहाँ पे 1000 पिक्सल, 1000 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 800 पिक्सल ही रख देते हैं। और अब
फिर जाते हैं इसको और हम लोग इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ठीक है? रिफ्रेश करिए, देखिए देखिए, ठीक है? इस प्रकार से आप और भी प्रॉपर्टीज होता है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि सारा प्रॉपर्टी जो होता है उसमें हम लोग एनिमेशन नहीं करते हैं। आपको देखना पड़ता है कि कौन सा पोजीशन, कौन सा प्रॉपर्टी पे अगर हम एनिमेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारा एनिमेशन अच्छा दिखे, ठीक है दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आपको CSS में एनिमेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।